आप सब लोगों को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं एक मामूली सा आर्टिस्ट हूँ, एक बहुत बड़े घराने से हूँ, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे शिष्य दिए हैं जिसमें आदरणीय लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, हमारे घर में जब ऐसे ऐसे शिष्य हैं तो हमारे गुरुओं का क्या हाल हो सकता है आपको पता है। मैं तो एक मामूली सा हिस्सा हूँ उसका, और मैं मंच पर बैठा हूँ इसलिए कि मेरे घर की पांच छोटी बच्चियाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को वायलिन सिखाया है, सिखा भी रहा हूँ। उनमें से एक आदरणीय APJ अब्दुल कलाम भी मेरे, मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो मेरे शिष्य थे, मैं उनका शिष्य था, लेकिन वो मुझसे वायलिन सीखते थे। मैं आपके सामने एक वो प्रस्तुति पेश करूँगा, मैं रिप्रेजेंटेड इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, जहाँ पर सब जगह के देश के लोग आए हुए थे। वो पेरिस में प्रोग्राम था, यूनेस्को ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। सब देशों ने अपने अपने बड़े बड़े कलाकार भेजे थे। वहाँ के अध्यक्ष ने कहा, आप आपस में चुन लीजिए कि कौन इस प्रोग्राम को लीड करेगा। दो दो मिनट का म्यूजिक सारे दुनिया के लोगों ने बजाया और स्क्रीन पे नाम था, इंडिया विल लीड। लेकिन समय बहुत कम है, कभी बड़ा प्रोग्राम दूंगा। तो उन देशों ने किस तरह से हमारा म्यूजिक बजाया, वो प्रस्तुति मैं जल्दी से पेश करूंगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। Thank you.
हमारे देश को जो ये म्यूजिक बज रहा था अरबिक लोग आए सेम म्यूजिक को बजाने के लिए, तो हमारा म्यूजिक किस तरह से बजा रहे थे देखिए राग भैरवी को। जापानीज़ लोग आए म्यूजिशियन फ्रॉम जापान टोक्यो,